तो हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल फ्यूचर प्राइड पे। तो गाइस, आज हम इस पे चलेंगे। ये डिज़ाइन है, इसमें ट्रांसफ़र भी है, सारा कुछ है, और बट का एरिया भी है, ये आप देख रहे होंगे। तो आज इसको बनाएंगे, बस लास्ट तक देखना आप पूरी, ताकि आपको पूरे का पूरा समझ आए। और गाइस, सब्सक्राइब ज़रूर करिए जिन्होंने नहीं किया है। ओके, तो गाइस अब जैसे एक चीज़ आपको और समझाने जा रहा हूँ कि कॉपी पेस्ट का मामला कैसे शुरू होता है, कॉपी पेस्ट कैसे शुरू करेंगे। मान लीजिए अब मेरे पास एक डिज़ाइन बना हुआ है, ये इसकी गले की शेप आ रही है, मान लो उसी पैटर्न पे मैंने ये वाला डिज़ाइन सेट करना है। तो हाउ टू क्रिएट, क्या करेंगे, सबसे पहले जो डिज़ाइन बना हुआ है पहले उसको खाली कर देते हैं। सी सेलेक्ट किया, रिप्लेस कलर, रिप्लेस किससे करूँगा, 153 से, 154 है, 153 से हो गया 155, क्लियर, ओके। ये बचा, इसको रिप्लेस कर देंगे 139 को 153, ओके, ठीक है जी। अब ये वाला एरिया प्लेन करना है, फिल कर दिया। लो गाइस, ये अपना क्लियर हो गया। अब बची टो। अब देखिए, जैसे मैंने 7 नंबर साइज बनाना है इसी में, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, टो मेरी उतने पे ही आएगी। अगर मैं वही डिज़ाइन उठाऊँगा तो उसी पे पहले बना हुआ, तो उतने के अकॉर्डिंग ही टो आएगी। तो हम क्या करेंगे, एक लाइन वैसे ही मैं यहाँ पे लगा लेता हूँ, सिंगल नंबर, ओके, वैसे एक निशानी के लिए लगा ली मैंने। उसके बाद क्या करते हैं जी, हम ये वाला उठाएंगे टूल, देखो गाइस, ठीक है, कर्व शॉर्टकट। तो इससे क्या होगा, अब जहाँ तक मैंने शेप लेके जानी है इसकी, ये देखिए, मान लो ये इमेज देख रहे हैं हम, ये बट यहाँ तक आ रही है स्ट्रेट, ठीक है। तो हम कैसे लेके जाएंगे इसको, ये यहाँ तक मैं रख के इसको ऐसे कर्व में दे दूंगा ताकि गोलाई आ जाए। ओके गाइस, देखिए लग रही है सेम वैसे ही, डबल क्लिक करेंगे छोड़ देंगे, ठीक है गाइज। अब इसको भी रिप्लेस कर दूंगा, ये जो एरिया है इसको भी मैं सिंगल कलर कर देता हूँ, 152 है, 53 हो गया। उसके बाद है 141, क्लिक, उसके बाद आ गया 151, रिप्लेस, ओके जी। अब ओनली यही लाइन रह गई, इसको थोड़ा सा हम सही कर लेते हैं, इसको यहाँ की बजाय यहाँ ऐड कर देंगे। ओके, ठीक है जी। अब पकड़ेंगे इसका सेंटर ताकि मिरर हो जाए, सेंटर भी लास्ट में पकड़ते हैं क्योंकि एक लाइन और लगेगी इसमें, एक एरिया और देना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 लाइन छोड़ के मैं यहाँ पे एक एरिया और दे रहा हूँ ताकि ये बट वाला एरिया बनेगा। ओके गाइज, उसके अकॉर्डिंग ही बिल्कुल साथ में वहीं पे, ताकि वो शेप हमें दिखे, क्लिक कर दिया। अब इसको मिरर कर देंगे, सी मिरर चेक करेंगे, सेंटर क्या अपना सेंटर है जी 186, 186 पे पकड़ूंगा इसको, ओके, मिरर हो गया, सी गाइज, ठीक है जी। अब कॉपी पेस्ट में देखिए कितना आसान हो गया आपका। अब यहाँ पे एक ट्रांसफर वाली लाइन है, मान लीजिए ये है, ठीक है, ये एक पट्टा बनेगा। तो इसको कैसे बनाएंगे, यहाँ पे मैं इतना एरिया सिलेक्ट करके, ठीक ओके गाइस, यहाँ तक सिलेक्ट हो रहा है, 37 नंबर रो, मैं 36 रोज ले लेता हूँ लंबाई में अपनी, 36 ये आ गई, सिलेक्ट कर लिया। इसमें फिल कर दूंगा वैसे ही 2 नंबर कलर, ओके गाइज। अब इसके बाद शुरू होता है डिज़ाइन का काम, मॉड्यूल हमारे बने हुए हैं, ठीक है, मॉड्यूल बनाना मैंने आपको बता भी दिया था। अब कॉपी पेस्ट का क्या मतलब होता है कि मान लो मैंने ये मॉड्यूल यूज़ नहीं करने हैं, या मैं नया डिज़ाइन बना रहा हूँ, तो इसको फिर कॉपी पेस्ट कैसे करते हैं। तो मॉड्यूल किसी भी डिज़ाइन में बना हो, आप उसको पूरे को सेलेक्ट कीजिए,
सेलेक्ट कर लिया। सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करिए, कॉपी। कॉपी करने के बाद जब हम पेस्ट करेंगे इसको, यहाँ पे पेस्ट करके दिखा रहा हूँ मैं आपको, वैसे ही यहाँ पे राइट क्लिक करके जब पेस्ट करेंगे तो पेस्ट नहीं करना आपको, आपको करना पेस्ट इंक्लूडिंग फंक्शन लाइन। उससे क्या होगा, ये उसके सारे फंक्शन उठा लेगा। ये देखिए ये साइकिल्स वगैरह सारे उसने लगे लगाए उठा लिए। तो कॉपी पेस्ट का मतलब ये होता है। ओके गाइस, किसी भी पुराने डिज़ाइन से उठा के आप मॉड्यूल कॉपी कर सकते हो, वहाँ पे लगा सकते हो। अब हम चलेंगे अपनी निटिंग की तरफ, हमने क्या क्या डालना है। अब इसमें हमारा था ये ट्रांसफर निट है, देखिए, ठीक है जी, और सेंटर में तीन डॉट हैं, तो हम इसको बना लेंगे पहले। हमारा सेंटर आ रहा था यहाँ पे, मैं वैसे ही तीन नंबर कलर लेके बना रहा हूँ, ठीक है जी। ये आ गया सेंटर, 187 ले लीजिए, 186 था अपना, ओके 186 था। तो एक एक नेट छोड़ के मैं इसको लगाते जाऊंगा। टूल उठाएंगे वही, ये वाला कॉपी क्लिक किया, ओके गाइस, ये बन रहा, ठीक है। बाकी मैं निटिंग यहाँ पे डिलीट कर दूंगा क्योंकि मेरे को शायद इतना ही चाहिए, या हम गिनती कर लेते हैं कि कितने डॉट्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 सेंटर आ गया, ओके इसमें भी देख लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 सेंटर आ गया। तो ये वाली चीज हम ख़त्म कर देते हैं। अब इसी को जैसे भी हमने मिरर करना है, ये मिरर किया जी, ये आ गया। उसके बाद सेंटर में डॉट है तो हम क्या करेंगे, यही चीज़ उठा के कॉपी करूँगा मैं इसको, यहाँ पे क्लिक कर दूंगा इतनी इतनी दूरी पे। ये लीजिए, ये सेंटर वाली लाइन आ गई। अब इसकी कॉपी कैसे लगाएंगे, दैट इज द कॉपी लाइन, ओके। इसको कॉपी करूंगा, कॉपी भी कीजिए चाहे मत कीजिए, ये आ गया सीधा ये वाला पोर्शन, ओके गाइज, ठीक है जी। मैं यहाँ तक लेके उसके बाद इसकी ऊपर नीचे वाली दो दो नेट प्लेन रख के मैं बाकी के नेट्स डिलीट कर देता हूँ। ये हैं पांच, डिलीट पे जाएंगे, राइट क्लिक किया, पांच भर दूंगा, यहाँ से डिलीट कर दी, ओके। नीचे भी दो नीट रखनी है मेरे को प्लेन, तो मैं दो रख के बाकी 12, तो इसको मैं 11 में डिलीट करूँगा, नहीं तो फिर एक रो मेरे को ऊपर से डिलीट करनी पड़ेगी, तो इसको मैं 11 डिलीट कर देता हूँ, ओके ठीक है जी। ये बन गया, नीचे हमारा प्लेन नेटी थी, उसको किसी भी तरीके जोड़ना हो तो हम कुछ भी लगा सकते हैं उसमें जोड़ने के लिए। अब आ जाता है ये वाला पोर्शन, यहाँ पे देखिए इसमें बट है, उभार दिख रहा है गाइस, उभार आ रहा है, ठीक है। तो इस उभार को कैसे बनाएंगे, इस उभार को बनाने के लिए हम चलते हैं मॉड्यूल में, ठीक है जी। मॉड्यूल में हमें क्या करना पड़ेगा कि मान लीजिए इसको मैं पूरा सिंगल कलर फिल कर देता हूँ, नहीं सिंगल अभी नहीं फिल करना क्योंकि इसमें हमें दो तीन चीज़ें लेनी पड़ेंगी। तो गाइस सबसे पहले बट बनाने के लिए क्या होता है, ये जो लाइनिंग है मेरी, तो इसको मेरे को आपस में क्रॉस कराना पड़ेगा दोनों बेड को। तो वो हम दो तरीक़ों से करा सकते हैं, 253 भी लग सकता है या यहाँ पे 10 नंबर निट भी लगा सकते हैं। तो मैं 10 नंबर ले रहा हूँ जो दोनों साइड निट करती है, 140 कलर ले लिया मैंने, ओके जी, 140 कलर ले लिया। तो ये एक नंबर की जगह मैं 140 रिप्लेस कर दूंगा, रिप्लेस कलर एक की जगह 140, ओके गाइस। अब इसके बीच में बट बनानी है, मतलब कि फ्रंट नेट तो आनी चाहिए लेकिन जो बैक नेट है वो मिसिंग में होनी चाहिए। तो बैक नेट मिसिंग में इतनी ज़्यादा तो दे नहीं सकते हम, अगर 1 बाय 1 करेंगे तो इतना भी उभार नहीं आएगा जितना इसमें दिखा रही है, तो इतना उभार नहीं आएगा। तो बट बनाने का बाद आपको एक नया तरीका बता रहा हूँ, उसके लिए क्या करना होता है, एक कलर तो लेंगे हम प्लेन, ठीक है जी, और सेकेंड कलर में क्या करेंगे, मान लीजिए ये मेरा सेकंड कलर है 151, इसमें मैं क्या करूँगा, फ्रंट नेट तो रहेगी लेकिन बैक नेट मिस कर दूंगा दोनों, ओके गाइस। अब इसको लगाना कैसे है, लगाना कैसे है, 152 कलर है, ये मैं क्या करूँगा, 151 तो आ जाएगा इसमें पूरे में, ओके जी, 151 आ गया। अब इसका मतलब क्या हुआ 151 लगाने का, ये तो बैक नेट पूरी खाली होगी तो इतना इतना फ्लोट कैसे लेगी, ठीक है गाइस। अब फ्लोट को कंट्रोल करने के लिए क्या करेंगे हम, हमने जो कलर लिया है फ्रंट नेट वाला 152, 152 को
कैसे फिल करना है, मैं यहाँ पे एक रिपीट बनाता हूँ। 151 ले लिया। ओके, हमें पहले मैंने आपको बताया था कि हमेशा 4 या 5 नेट से ज़्यादा फ्लोट नहीं होना चाहिए, तो ये मैं तिरछे में क्रॉसिंग कर रहा हूँ ताकि ये एक एक नेट उसको मिल जाए फ्लोटिंग के लिए। 3 नेट छोड़ दी, चौथी पे मैंने दोबारा लगा दिया। ठीक है जी, ये लगाया। अब इसकी रिपीट पकड़ेंगे, ये बन गई रिपीट गाइस। कॉपी किया, फिल कॉपी। अब इसमें जाके फिल कर दूंगा मैं, लीजिए। अब क्या होगा, ये इतनी नेट खाली लेने के बाद, 3 नेट खाली लेने के बाद, ये इस नेट पे नेटिंग करती जाएगी। मतलब वन बाय वन भी नहीं हुआ और इतनी नेट हमारी एक्स्ट्रा भी हो जाएंगी। ठीक है गाइस, तो अपना ये वाला उभार बनेगा जो हम पिक में देख रहे हैं, ये चीज़ बनेगी। ओके, उसके बाद इन्होंने साइड पे ये बट बना रखे हैं, देखिए सी। ओके, तो इसको भी बना देते हैं। इसको कैसे बनाएंगे, यही वाला फिर उठाऊंगा मैं, एक नंबर कलर ले लिया, यहाँ से लेके यहाँ तक। ओके ठीक है जी, अब स्ट्रेट लाइन यहाँ से दे देंगे ताकि इतने एरिया में बट आ जाएंगे। अब यहाँ पे देखते हैं नीचे जॉइंट है इसके साथ, नहीं है जी, तो हम यहाँ से भी एक स्ट्रेट इन लगा के बट का एरिया उतना ही ख़त्म कर देंगे। ये बन गया जी बट का एरिया, मैं इसको सिंगल कलर फिल कर देता हूँ। ओके, इतना एरिया बट का हो गया अपना, तो बट का एरिया बन गया। लेकिन ये वाली बट कुछ और है क्योंकि इसमें उभार कम दिख रहा है आपको, देख रहे हो। तो इसमें क्या करेंगे, सिंगल हम क्रॉसिंग करवा के पीछे वन बाय वन लगा देंगे, तो उससे भी ये क्लियर हो जाएगा। 125 है कलर, इसको ले लेता हूँ। 126 को ले लेता हूँ, इसमें हम ले लेंगे 253 नंबर कलर। 253 की जगह गाइज बट बनाते समय हमेशा 254 यूज़ किया करो, वो भी बैक से लगा के। तो उसमें क्या होता है कि अपनी मशीन ना काटने फाटने का काम बंद हो जाता है, जैसे मैंडिंग बहुत आती है तो वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। तो 126 तो हो गया बांधने वाला। अब पीछे मैं मिसिंग लगा देता हूँ, ये लगी जी वन बाय वन मिसिंग। ठीक है जी, अब इसकी रिपीट कैसे बनाएंगे, 126 और 125, ये आ गया जी 126। ओके, 125 लेना है मेरे को, 5 से 6 नीट रखते हैं हमेशा बट में, तो मैं 5 ले लेता हूँ। 125 की ये 5 नीट आ गई। ओके, अब इसी को उठाएंगे, कॉपी फिल कॉपी। लो जी गई साइड वाली बट बन गई। ठीक है जी, अब इसी को मिरर लगाना है हमने मान लो। ठीक है, यहाँ से पकड़ूंगा, मिरर कॉपी लिया, इसके साथ में लाके ये हो गया। ठीक है जी, सेंटर से पकड़ के इसलिए नहीं लगाया मैंने, नहीं तो फिर ये वाली रिपीट भी दोबारा फिल करनी पड़ती क्योंकि ये उल्टा हो जाता है यहाँ से क्रॉसिंग में, इसलिए मैंने साइड से लगा दिया। ओके गाइस, अब इसके बीच वाली नेट देखते हैं, बीच में क्या है, लंबाई में है, जैसे चावल का दाना होता है वैसे है। तो इसको कैसे बनाएंगे, इसमें एक सिंगल कलर चलेगा अपना प्लेन। ठीक है जी, इसमें देखते हैं प्लेन और कौन सा बचा है हमारे पास। प्लेन नेट ये, चलो मैं ट्रांसफर वाली खाली कर देता हूँ, इसको प्लेन कर लेते हैं। मॉड्यूल एडिटिंग करते समय जैसे हमने पुराना मॉड्यूल बनाया, सिर्फ नेट देखते जाओ और उसमें लगाते जाओ। ये 127 मैंने प्लेन ले लिया, टक के लिए मेरे पास ये 146 है, टक लगा के हम उसको क्लियर कर सकते हैं। अब गाइस इसमें 127 फिल कर दूंगा। ठीक है जी, 127 फिल करने के बाद हमारा आता है 146 नंबर कलर था जो टक लगा हुआ था। ये मान लीजिए 185 और 186 हमारे सेंटर थे, मैं किसी पे भी ये 3 से 4 नेट लेके टक की ये मैं ऐसे कॉपी बना दूंगा इसकी। ओके गाइस, ये बन गई कॉपी हमारी। ठीक है जी, ये रिपीट हो गई, रिपीट कॉपी की फिल कॉपी। ओके ठीक है जी, अब ये वाला एरिया हम देख रहे हैं, इसमें टक में है, वन बाय वन टक चल रहा है। ठीक है जी, वन बाय वन टक हमने इसमें 153 में लगा ही रखा है, 153 कलर है सी, कंट्रोल दबा के देख रहा हूँ तो वन बाय वन टक लगा हुआ है। ओके ठीक है गाइस, 153 कलर लगा है। ओके है, अब यहाँ पे हमने ट्रांसफर देनी थी। ठीक है जी, इस कलर को और ये वाला प्लेन रखना है, तो इसको प्लेन कैसे रखेंगे सी।
अब एक कलर और लेना पड़ेगा हमें, ठीक है जी। अब मैं एक काम करता हूँ, ये ऊपर वाले मॉड्यूल मेरे लिए फालतू हैं, मैं इनको ज़ीरो कर देता हूँ ताकि मेरे पास कलर बच जाएंगे। ये वाला तो लगा हुआ हमारा, ये खाली है, इनको मैं प्लेन कर देता हूँ। प्लेन कर दिया, अब क्या है, मैं कलर देखूंगा कौन कौन सा मेरे पास है। 151, 152, 3, 154 से ले लेता हूँ, 154 ले लिया प्लेन। 120 मेरी ट्रांसफ़र लगी हुई है यहाँ पे, तो 120 में फिल कर दूंगा। 154 को मैं प्लेन लगा देता हूँ। ये लो गाइस, अब 154 यहाँ आ जाएगा, ओके ठीक है जी। अब ये रह गया अपना 3 नंबर कलर को हमने 120 देना है, तो सिंपली रिप्लेस द कलर, 3 नंबर पे है, 120 भर दिया, ओके ट्रांसफ़र होगी, ठीक है जी। ये कंट्रोल दबा के देख लो, ओके गाइस। लेकिन इसमें 120 में उल्टा कलर ले रखा है देखिए, ठीक है जी। तो उल्टा नहीं लेंगे हम, ताकि पीछे कोई भी कलर चला रहे हो तो वो सीधा ही रहना चाहिए। हम क्या करेंगे इसको भी, ओके इसको भी हॉरिजॉन्टली मिरर करके हमने स्ट्रेट कर दिया ताकि सीधी नेटी रहे, ओके गाइस। ट्रांसफ़र भी हो गई, ठीक है जी। अब साइज नंबर हमने लिख ही रखा है, इसमें देख लेते हैं हम क्या कर रहे हैं। ये उल्टा कलर चल रहा है यहाँ पे, टक में चल रहा है, 1x1 कोई बात नहीं चलेगा। 152 अपना प्लेन ही है, ठीक है जी। ये प्लेन नेट को साइड में बांधने के लिए हमने 146 ऐसे लगा रखा है, 146 टक में है। 125 मिसिंग कर रहा है 1x1, तो 125 की जगह मैं कलर कोई और दे देता हूँ यहाँ प्लेन रखने के लिए। ये लीजिए, मैं 155 ले लेता हूँ, 155 ले लिया प्लेन रखने के लिए, तो ये लगा दिया। फिल करेंगे 155, ओके दोनों साइड 155 फिल कर दूंगा। ये भी प्लेन में आ गया, अब ये भी देख लेते हैं 143 क्या चल रहा है जी, ओके बाइंडिंग नेट चल रही है, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया 132, ठीक है जी, 1x1 ट्रांसफ़र हो रही है। 133 देखेंगे, कंट्रोल दबाया, बैक नेट चल रही है, ओके 38 पे ड्रॉपिंग हो रही है, ओके गाइज ये हो गया। अब एक चीज़ और देखते हैं कि ये इमेज देख रहे हो आप, यहाँ पे ये सिलेक्शन देख रही है आपको इलास्टिक में, ठीक है जी। ऐसी सिलेक्शन अगर लेनी हो सिंपली इसी मॉड्यूल में, तो कुछ नहीं करना हमने, सिर्फ छोटा सा काम करना है। मॉड्यूल का कलर देखिए क्या लग रखा है, 170, 170 के पास जाऊंगा मैं, ये आया 170 पे, ठीक है गाइस। इसमें कुछ नहीं करना होता, ये हमने जो 1x1 लगाया है तो इसको मैं सिलेक्ट करूंगा, ये स्ट्रेट में कर देना हमें, ठीक है जी। 4 नंबर तक, फिर 4 नंबर तक, सेम उसी लाइन में। तो इससे क्या हुआ, एक एक नेट आपकी उभरी दिखेगी सिलेक्शन टाइप। सी गाइस, इतने से हमें कॉपी पेस्ट करके हमने देखिए मेरे ख्याल से 20 मिनट्स ही हुए होंगे, तो हमने डिज़ाइन क्लियर कर लिया, ठीक है। डिज़ाइन क्लियर हो गया, ये नीचे वाली नेट प्लेन है, ठीक है जी। इतनी प्लेन नहीं रखते, लेकिन मैं फिर भी 1x1 टक लगा दिया है मैंने, यही वाली नेट, ये जो है ये लगा दी है। बाकी अगर जूता हमारे पास हो तो हम उसको देख के लगा सकते हैं, कुछ भी जो वहाँ पे चल रही हो। कंपाइल करेंगे, सी डिफॉल्ट है, थ्री सिस्टम है, ओके कंपाइल गई, ओके कंपाइल हो गया। सो गाइज, अब आपको समझ आया होगा कि कॉपी पेस्ट करने में भी हमारा बीएमपी का काम भी खत्म हो गया, कि हम खुद भी ड्रॉ कर सकते हैं कुछ ना कुछ एरिया, ठीक है जी। तो ये चीज़ें थोड़ी ध्यान में रखनी होती हैं जब भी डिजाइनिंग करो, तो ऐसे चलोगे तो आपको टाइम कम लगेगा, ओके। और किसी भी फाइल से आप मॉड्यूल कॉपी कर सकते हो, जैसे मैंने बताया, किसी भी चीज़ को कॉपी करना है आपने तो उतने एरिया को मॉड्यूल को कॉपी करोगे, राइट क्लिक किया कॉपी, जहाँ पे जिस जिस फाइल में जाके लगाना है आपने, तो वहाँ पे जाके राइट क्लिक करके पेस्ट इंक्लूडिंग फंक्शन लाइन, ओके गाइस ये करना है, तो यहाँ पे वही मॉड्यूल दोबारा आ जाएगा, उसका सारा साइकिल वगैरह सारा कुछ लगा होगा आपके पास। सो गाइस, बस इतना सा काम होता है, ठीक है जी। तो इसको सेव कर रहा हूँ, और गाइज बने रहिए हमारे साथ फ्यूचर प्राइड पे, और सब्सक्राइब जरूर कीजिए सर, क्योंकि सब्सक्राइब के बिना आपको नोटिफिकेशन बहुत कम मिलेंगे। ओके गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।